हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। लीवर, सो लीवर भी एक एसेसरी ऑर्गन है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी और ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड भी है हमारी बॉडी की एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है ये हमारी बॉडी का। सो वैसे तो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। अगर हम ओवरऑल ऑर्गन्स की बात करें तो स्किन है लार्जेस्ट ऑर्गन, लेकिन अगर सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। वेट, लीवर का वेट है 1 to 2.3 kgs, इट मीन्स 1000 grams to 2300 grams लीवर का वेट है। देन लोकेशन, अब लीवर कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी है हमारी ये कैविटी जिसमें एब्डोमिनल ऑर्गन्स कवर हैं, मीन्स पेट, पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में कवर हैं। सो ये अपर पार्ट मीन्स ऊपर, ये ऊपर प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। डायफ्राम हमारा एक रेस्पिरेटरी मसल है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो जब मैं रेस्पिरेटरी के वीडियोस बनाऊंगी तब उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, ऑक्यूपाइज होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम विद एक्सटेंशन इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। सो ये मैंने एब्डोमिनल कैविटी के रीजन्स बनाए हैं। सो ये रीजन है जहाँ पर लीवर प्रेजेंट है। सो दिस इज प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। सो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ये है राइट साइड, ये पूरा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को कवर कर रहा है लीवर। एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है ये अपर मिडल वाला रीजन, ये भी इसका भी ग्रेटर पार्ट कवर कर रहा है विद एक्सटेंशन इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। थोड़ा सा ये लेफ्ट जो लीवर की थोड़ा सा ये जो एज है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी एक्सटेंड हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ लीवर। नेक्स्ट, लॉब्स ऑफ द लीवर। सो लीवर के कितने लॉब्स हैं, मीन्स लीवर के कितने पार्ट्स हैं? सो लीवर के फोर लोब्स हैं। फर्स्ट है राइट लोब जो कि लार्जेस्ट लोब है, सेकंड है लेफ्ट लोब जो कि राइट लोब से स्मॉल है और ये एक वेज शेप का लोब है। थर्ड है क्वाड्रेट लोब एंड लास्ट है क्वाड्रेट लोब। सो लीवर के फोर लोब्स हैं। जो क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब्स हैं ये पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। लीवर के दो सरफेस हैं, एक है एंटीरियर जो कि फ्रंट है लीवर का और पोस्टीरियर जो कि पीछे है। क्वाड्रेट और क्वाड्रेट पिछली साइड प्रेजेंट होते हैं लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर। सो दिस इज लीवर और ये लीवर का राइट लोब है ये वाला जो कि बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट लोब है। ये लीवर का लेफ्ट लोब है जो कि एज कम्पेयर टू राइट लोब स्मॉल है और ये एक वेज शेप का लोब है। एंड ये है लीवर का पोस्टीरियर सरफेस। सो ये है छोटा सा क्वाड्रेट लोब और ये है छोटा सा नीचे वाली साइड क्वाड्रेट लोब। देन ये फोर लोब्स कवर हो गए लीवर के। द पोर्टल फिशर, पोर्टल फिशर और पोर्टा हिपैटिक्स क्या होता है? पोर्टल फिशर और पोर्टा हिपैटिस एक रीजन होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ये भी पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है लीवर के, वेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द ग्लैंड, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंटर होते हैं और निकलते हैं ग्लैंड से। सो दिस, ये जो वाइट लाइन है पोस्टीरियर सरफेस पे इसको कहते हैं पोर्टा हिपैटिस और पोर्टल फिशर। अब यहाँ पर क्या एंटर हो रहा है और क्या निकल रहा है, जैसे कि हिपैटिक पोर्टल वेन और प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। सो दीज आर सम स्ट्रक्चर्स जो कि एंटर और लीव करते हैं इस पोर्टल फिशर से या पोर्टा हिपैटिस से। आई होप आपको लोब्स और पोर्टा हिपैटिस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। सो लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बना हुआ है लीवर? सो लीवर, ये लीवर है और लीवर लीवर लोब्यूल से बना हुआ है। सो लोब्स जो है लीवर के ये लोब्यूल से बने हुए हैं और लोब्यूल्स क्या है, फंक्शनल यूनिट्स है लीवर की, मीन्स यही लीवर के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो ये लोब्यूल्स हैं जो कि क्यूबॉइडल शेप के सेल्स हैं। अब ये बहुत सारे लोब्यूल से बना हुआ है, एक लोब्यूल का सेक्शन इस डायग्राम में शो किया हुआ है। सो लेट्स स्टडी। लोब्स आर मेड अप ऑफ टाइनी फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड लोब्यूल्स। सो ये मैंने बता दिया कि लोब्स जो हैं लोब्यूल से बने हुए हैं।
Lobules are formed by cuboidal cells, the hepatocytes, arranged in pairs of columns radiating from central veins. अब ये जो lobules हैं ये किन cells से बने हैं? ये cuboidal cells से बने हैं. ये cuboidal cells हैं जिसको हम बोलते हैं hepatocytes. सो ये जो cells हैं pink pink color के diagram में, इनको बोलते हैं hepatocytes. और ये एक central vein से निकल रहे हैं. Central vein से pairs में ये present है, दो pair में. ऐसे ये सिंगल सेल्स प्रेजेंट नहीं है, पेयर में प्रेजेंट है. और ये सेंट्रल वेन से निकल रहे हैं. सेंट्रल वेन एक हिपैटिक वेन की ब्रांच है. सो यहाँ से ये निकलते हैं. अब ये दो पेयर में प्रेजेंट है हिपैटोसाइट्स. बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ कॉलम्स आर साइनोसॉइड्स कंटेनिंग मिक्स ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी. अब ये जो हिपैटोसाइट्स के पेयर हैं, इन दोनों कॉलम्स के बीच में, एक ये कॉलम हो गया हिपैटोसाइट का, एक ये कॉलम, इन दोनों के बीच में ये जो पर्पल कलर के प्रेजेंट हैं, इसको बोलते हैं साइनोसॉइड्स. अब ये पर्पल कलर के क्यों हैं? क्योंकि इनमें से दो ब्लड मिक्स हो रहे हैं. इन साइनोसॉइड्स में दो ब्लड मिक्स है. एक ब्लड जो है पोर्टल वेन से आ रहा है, जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की इतनी मात्रा नहीं है. सेकेंड ब्लड है हिपैटिक आर्टरी से आ रहा है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है. सो ये दोनों ब्लड जो हैं इस साइनोसॉइड में मिक्स होते हैं. सो इस मिक्स ब्लड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है, इन द सेल लाइनिंग ऑफ साइनोसॉइड कुफर सेल्स दैट इज हिपैटिक कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हिपैटिक मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं. ये जो साइनोसॉइड्स हैं इसके अंदर, इनके सेल की लाइनिंग में, मतलब इसके अंदर कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जो कुफर सेल्स हैं इनको हिपैटिक मैक्रोफेजेस भी कहते हैं. सो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी मैक्रोफेज नाम आ जाएगा, इट मीन्स कि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, मतलब कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है, सो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो कुफर सेल भी वही काम करते हैं. मीन्स हिपैटिक मैक्रोफेजेस, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी लीवर में अगर एंटर होता है, सो ये सेल्स क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं. मीन्स उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो ये हैं एक और डायग्राम, सेम सेंट्रल वेन. ये दो हैं हिपैटोसाइट. हिपैटोसाइट के दो कॉलम्स के बीच में पर्पल कलर के हैं साइनोसॉइड, और इसमें ये हैं कुफर सेल्स बीच में. अब साइनोसॉइड क्या, साइनोसॉइड में जो मिक्स ब्लड है वो कहाँ जाता है? साइनोसॉइड ड्रेन ब्लड इनटू सेंट्रल वेन एंड देन मर्ज विद हिपैटिक वेन विच एम्प्टी इनटू द इंफीरियर वेना केवा. अब ये जो साइनोसॉइड है ये कहाँ पर मर्ज हो रही है? सेंट्रल वेन में. ये है सेंट्रल वेन, जो कि हिपैटिक वेन की एक ब्रांच है. ये वेन निकल कर मर्ज होती है आगे इन्फीरियर वेना केवा. इन्फीरियर वेना केवा एक ऐसी, ये भी एक लार्ज वेन है जो कि हार्ट में जाकर ओपन होती है, हार्ट में जाकर एम्प्टी होती है. सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरा. इन द कॉलम्स ऑफ लीवर सेल्स बाइल कैनालिकुलाई आर प्रेजेंट विच जॉइन अप टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक विच ड्रेन बाइल फ्रॉम द लीवर. अब ये जो कॉलम्स हैं इनको बोलते हैं बाइल कैनालिकुलाइज, मतलब ये जो दो हिपैटोसाइट है इसके बीच में ये जो कॉलम है ये ग्रीन कलर का, ये है बाइल कैनालिकुलस. अब बाइल क्या होता है? जो हिपैटोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं लीवर में वो बाइल प्रोड्यूस करते हैं. सो बाइल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है. ये मैंने पार्ट टू, लीवर के मैंने दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू. सो पार्ट सेकंड में मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो ये है ग्रीन कलर का, ये आगे जाकर ये बाइल डक्ट बनाते हैं, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, जो कि लीवर से निकलती है और आगे फिर इंटेस्टाइन में ओपन होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर. सो ये मैंने और इसको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया है, जैसे कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो हो रहा है. एक हिपैटिक आर्टरी जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये है पोर्टल वेन जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लीवर में. ये दोनों ब्लड मिक्स होते हैं साइनोसॉइड में. देन साइनोसॉइड आगे सेंट्रल वेन में मर्ज होती है. सेंट्रल वेन से ही हिपैटिक वेन से के थ्रू लीवर से निकल जाती है. अब आगे लीवर के बाहर कैसे वेन जाती है? हिपैटिक वेन जो है इन्फीरियर वेना केवा में मर्ज होती है, और इन्फीरियर वेना केवा हार्ट में खाली होती है, हार्ट में अपना ब्लड छोड़ती है, और हार्ट के कौन से, राइट एट्रियम में ब्लड छोड़ती है अपना. लास्ट है फंक्शंस ऑफ लीवर. अब लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनके मेन फंक्शंस मैंने लिखे हैं. सो फर्स्ट मेन फंक्शन है इसका बाइल की प्रोडक्शन.
बाइल जो कि हिपेटोसाइट से प्रोड्यूस होता है, सो बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में, और बाइल क्या करता है, फैट की डाइजेशन करता है. ग्रीन कलर का लिक्विड ही सब्सटेंस होता है ये, और ये फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है. इसको मैंने डिटेल में पार्ट टू में एक्सप्लेन किया है, जो कि मैं जल्दी एक अपलोड कर दूँगी. एंड एक्सक्रीशन, और बाइल लीवर से देन कैसे एक्सक्रीट होता है, ये भी मैंने पार्ट टू में ही एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जब हम फूड खाते हैं तो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होता है, जब हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज है वो सेल्स को जितना चाहिए होता है वो उतना यूज़ कर लेते हैं, और जो एक्सेस ग्लूकोज है वो लीवर में जाकर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. सो लीवर में कैसे स्टोर होता है, पैनक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है. इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. सो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में ये स्टोर हो जाता है ग्लूकोज. ऐसे ही जब हमारी बॉडी को दोबारा से ग्लूकोज की यूज़ होती है तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है लीवर में वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन ग्लूकागन, जो कि पैंक्रियास से ही सिक्रीट होता है. सो इस तरह से जो लीवर है ग्लूकोज का बैलेंस बनाकर रखता है हमारी बॉडी में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का एक बैलेंस बनाकर रखता है. नेक्स्ट है फैट मेटाबॉलिज्म. जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो लीवर कैसे करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल हेल्प करता है. सो बाइल की प्रोडक्शन के थ्रू फैट का डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि फैट इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है कि वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. सो इसको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए, ताकि ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, बाइल हेल्प करता है. नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म लीवर कैसे करता है, जो प्रोटीन एक अमाइनो एसिड की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है. सो अमाइनो एसिड का डीएमिनेशन करता है. डीएमिनेशन का मतलब है कि जो अमाइनो एसिड में नाइट्रोजिनस पोर्शन होता है उसको वो रिमूव कर देता है लीवर. क्यों रिमूव करता है, क्योंकि नाइट्रोजिनस पोर्शन की हमारे जो अमाइनो एसिड हैं, न्यू सेल्स हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती. सो जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है लीवर में तो यूरिया प्रोड्यूस होता है. यूरिया जो है एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है. सो इस वे में मेटाबॉलिज्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन की. थर्ड है ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स. एरिथ्रोसाइट क्या है, रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स. तो रेड ब्लड सेल्स जो ब्रेक डाउन होते हैं वो लीवर में आकर होते हैं, स्प्लीन में भी होते हैं, बोन मैरो में भी होते हैं थोड़े थोड़े, मेन ब्रेकडाउन लीवर में होते हैं. सो ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये डिफेंस कैसे शो करता है, मतलब माइक्रोब से कैसे लड़ता है बैक्टीरिया लीवर, ये मैंने पहले बताया था कि हमारे लीवर में हिपैटिक मैक्रोफेजेस मीन्स कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स के साथ फाइट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन. जब हम लीवर में ब्रेकडाउन होता है एरिथ्रोसाइट का, रेड ब्लड सेल का, तो बिलीरुबिन एक पिगमेंट जो है प्रोड्यूस होता है, तो बिलीरुबिन के एक्सक्रीशन भी लीवर करता है. ये जो बिलीरुबिन है ये हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट होना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर ये एक्सक्रीट नहीं होता, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये जॉन्डिस की फॉर्म में हमारी बॉडी में डिसीज़ प्रोड्यूस करता है. जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया बोलते हैं, जिसको हमारी आई स्किन का कलर येलो हो जाता है. ये भी मैंने पार्ट टू में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन और उसका पाथवे कैसे है. नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जब भी हम कोई ड्रग मीन्स कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर में होती है. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जो ड्रग है उसको लेस टॉक्सिक बनाया जाता है लीवर में. सो लीवर कैसे डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स और कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस पहले हम जब हम माउथ से लेते हैं तो वो हमारा इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के थ्रू वो हमारा लीवर में जाता है, इसके थ्रू लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है. इसलिए कई ड्रग्स ऐसे हैं जो कि हम माउथ से नहीं लेते, क्योंकि उनका असर बिल्कुल ही फिर ख़त्म हो जाता है लीवर तक जाते जाते, तो वो हम आईवी रूट से देते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस रूट से देते हैं वेन के थ्रू. सो वो एक अलग थिंग है. नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ आयरन, ग्लाइकोजन, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड विटामिन बी12. नेक्स्ट इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ आयरन. लीवर जो है आयरन को स्टोर करता है बॉडी में,
ग्लाइकोजन को स्टोर किए करता है, मैंने पहले ही बताया कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है लीवर में, कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो हैं वो सारे लीवर में स्टोर होते हैं, और कुछ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन जैसे कि वाइटामिन B12 भी लीवर में स्टोर होता है। लास्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट। लीवर जो है हीट प्रोडक्शन का मेन ऑर्गन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो है लीवर में होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हीट भी लीवर में ही प्रोड्यूस होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ आई, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड वेट फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।